Good evening, all of you. Good evening, sir. सो okay. so, कल के सेशन में हमने देखा था बेसिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन फिर हमने देखा एक रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे और हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है टाइप थ्री से यानी कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है This case, basic terms, हमने देखे थे हाउ टू रेगुलर एक्सप्रेशन से ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आप ठीक है सिंगल इनपुट है तो किस टाइप से ऑटोमेटा बनेगा मिनिमम स्ट्रिंग से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं ठीक है डबल इनपुट के लिए क्या होगा एंड सो ऑन like now regular expression yapelika that is a star plus b star how many state required for this इफ इंस्ट्रक्ट द ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा कितनी स्टेड लगेगी वन स्टेट में हो जाएगा देखिए प्लस का मतलब और वाली कंडीशन है आपकी यानी अगर आपका इनपुट या तो नंबर ऑफ ए स्टार आ सकता है वन स्टेट तो में कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लाइक like मैंने ये इनिशियल स्टेट बना दी ठीक है देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें व्हाट इज द सेट ऑफ दिस लैंग्वेज सेट क्या बनने वाला है तो देखिए आइदर ए और बी ठीक है अगर हमने बोला कि इनिशियली अगर आपका हम बोले दोनों या तो ए स्टार और बी स्टार स्टार की वैल्यू जीरो यानी नल जनरेट कर सकते हैं आप सिंगल ए जनरेट कर सकते हैं डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन सारे नंबर ऑफ एज आ सकते हैं ठीक है सिंगल बी आ सकता है डबल बी आ सकता है ट्रिपल बी आ सकता है नंबर ऑफ बीज जनरेट कर सकता है बट क्या ए और बी के कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी इज इट पॉसिबल क्या ए और बी के कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे यहां पर ए और बी के साथ में स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है क्या एनी वन yes no? से यस और नो सर नो सर नहीं होगा यस yes. सो बिकॉज रीजन क्या है आपका देखिए प्लस जब भी किसी एक्सप्रेशन में कोई भी लार्ज एक्सप्रेशन लिखा हो आपका अगर दो पार्ट में प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब दैट इज द और कंडीशन यानी कि इनिशियल स्टेट से या तो आप ए स्टार एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर बी स्टार की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है यानी और वाली कंडीशन या तो ए स्टार को रन करें या बी स्टार को रन करें तो देखिए अगर आप यहां पे सबसे पहले तो ये आपका जो सेट आपने डिजाइन किया है ठीक है तो सेट तो आप इजिली बना सकते हैं कि स्टार की वैल्यू जीरो रखने पर न लाया ठीक है दोनों प्लेस पे जीरो रखने पे नल आएगा आपका फिर इधर स्टार की वैल्यू वन रखने पे सिंगल ए आएगा टू ए थ्री ए फोर ए सेम बी के लिए रन होगा तो हम बोल रहे हैं कि नल एक्सेप्ट हो रहा है है यानी इनिशियल स्टेट स्टेट इज फाइनल ठीक अब क्या इनिशियल स्टेट पे ए और बी दोनों का लूप लगा सकते हैं हम सो है दैट इज नॉट पॉसिबल अगर मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों का लूप लगा दिया सो इट बिकम्स ये क्या होगी दैट इज द ए प्लस बी होल स्टार ठीक है ये क्या है आपका ए प्लस बी होल स्टार बट ए स्टार प्लस बी स्टार और ए प्लस बी होल स्टार बोथ आर डिफरेंट क्लियर है क्योंकि ए प्लस बी ऑल स्टार का मतलब क्या हो गया आपने ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे रन कर दिए तो ये एक्सप्रेशन इसके लिए बनेगा गॉट बनेगाइट बट यहाँ पर डेफिनेटली आप सिंगल स्टेट में इसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे तो देखिए आपने यहाँ पे क्या बोला दैट इनिशियल स्टेट दैट इज द फाइनल बिकॉज नल एक्सेप्ट हो रहा है फिर सिंगल ए अगर आता है आपका दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट ठीक है ए के बाद डबल ए ट्रिपल ए फोर ए जितने भी ए आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे ठीक है दैट ऑल आर एक्सेप्टेड स्टार सिंबल का मतलब ये होता है देखिए कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार स्टार का मतलब ये होता है कि स्टार की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं जीरो वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी कुछ भी रख सकते हैं क्लियर है सो so, स्टार की वैल्यू जीरो रखने पे नल वन रखने पे सिंगल है टू रखने पे डबल है एंड ट्रिपल है एंड ऑन इस टाइप से एक्सप्रेशन आपका जनरेट होगा गॉट इट सेम बी के केस में दोनों के बीच में और है तो या तो ए की स्ट्रिंग या बी की स्ट्रिंग ठीक है सो हमने बोला कि एक्सेप्ट हो रहा है फिर सिंगल ए आया और उसके बाद जितने भी ए आ रहे हैं ऑल आर एक्सेप्टेड हियर सारे एक्सेप्ट होंगे नाउ अगर इनिशियल स्टेट पे बी आता है तो वो भी एक्सेप्ट होगा लेकिन अब आपको स्टेट डिफरेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि अगर मैंने इसी पे ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा आपको ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे लेकिन हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं बनने वाली है यहां पे जिसमें ए और बी दोनों की मिक्स स्ट्रिंग जनरेट हो गॉट राइट so, जैसे ही बी आया बी के बाद हमने क्या बोला बी का अगर आप यहां पे क्या कर देंगे लूप लगा देंगे गॉट इट सो या तो सिंगल ए या नंबर ऑफ एज आएंगे या सिंगल बी या नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं या फिर नल एक्सेप्ट होगा तीनों स्टेट फाइनल है इट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग दैट इज इन दिस सेट इस सेट की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा ये ठीक है सो so, आपको तीन स्टेट यहां पर डायरेक्टली दिख रही है इन द फाइनाइट ऑटोमेटा ठीक है सो देयर आर थ्री स्टेट इन दिस केस क्लियर देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा आप डिजाइन करेंगे तो आपको जस्ट पहले सेट को समझना है कि व्हाट इज द सेट ठीक है एग्जैक्टली सेट क्या बन रहा है उस में? अब जैसे मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा लाइक ए स्टार बी स्टार बताइए इसके लिए कितने स्टेट लगेगी देखिए स्टार को जीरो रखने पे आर्यन आपने कल की क्लास अटेंड करी थी प्लीज ओपन योर माइक एंड से Yes, sir, करी थी तो फिर कल मैंने आप कल क्लियरली बताया था ना कि स्टार को जीरो रखते हैं जब हम किसी भी पावर पे जीरो तो ए की पावर जीरो वन, वन, बट ये आपका कहां पे मैथ्स में यहां पर आप जब एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और उसकी पावर जीरो लिखते हैं तो इट बिकम्स अ नल नल इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो ठीक है जीरो लेंथ स्ट्रिंग वन तो कुछ है ही नहीं ना देखिए वन क्या है वन इज नॉट अ इनपुट इनपुट क्या है हमारा दैट इज ए एंड बी तो आप स्टार की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो या तो ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा इनपुट तो तो है ठीक yes, है तो स्टार की वैल्यू जीरो रखने पे नल आएगा गॉट इट किसी भी एक्सप्रेशन पे आप जीरो रखेंगे तो दैट बिकम्स नल एंड नल डेफिनेशन ऑफ नल इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो गॉट इट? चलिए मैंने ये कल बताया था नल का ऑटोमेटा क्या बनेगा आपका हाउ मेनी स्टेट रिक्वायर्ड फॉर दिस अगर आपका सिर्फ लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो यानी कि सिर्फ ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही तो कितनी स्टेट बनेगी इसके लिए दैट इज एग्जैक्टली वन इनिशियल और वही स्टेट क्या हो जाएगी आपकी फाइनल हो जाएगी गॉटेट So, एक ही स्टेट बनेगी और वही स्टेट क्या रहेगी आपकी फाइनल रहेगी अब मान लीजिए आपने लिखा कि लैंग्वेज इज एम टी एल इक्वल टू फाइव तो इसके लिए कितनी स्टेट बनेगी हाउ मेनी स्टेट फॉर दिस टू कैसे होगी देखिए आपका नल का मतलब हुआ एक स्टेट बनानी है जिसपे आपको विदाउट एनी इनपुट आप डायरेक्टली कहा जाने वाले हो फाइनल स्टेट पे तो नल एक्सेप्ट हो जाएगा नल यानी कि कि कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग जीरो लेंथ की है यानी आप जैसे इनिशियल स्टेट पे गए यू बिकम गोस टू द फाइनल स्टेट ठीक है यानी विदाउट एनी इनपुट आपको आउटपुट मिल रहा है गॉट इट सो एल इक्वल्स टू फाई के लिए हाँ इसका लॉजिक अभी हम बाद में देख रहे हैं इस लैंग्वेज को भी हम देखेंगे पहले मैं यहां पर आपका नल और फाई का जो

और अगर आपकी लैंग्वेज नल है देन हाउ मेनी स्टेट्स तो अगेन आंसर इज वन दोनों केस में आपका आंसर क्या आएगा वन आएगा गॉट एट इन बोथ केस दन क्लियर है कितनी स्टेट लगेगी तो देखिए अगेन इसका सेट अगर मैं लिखता हूं दैट नल ठीक है क्योंकि देखिए, दोनों मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो सकती है तो दोनों स्टार पे हमने जीरो पुट करके रखा तो ए पावर जीरो बी पावर जीरो नल नल एंड नल डॉट नल इज ऑलवेज नल क्लियर सो इनिशियल जो मिनिमम स्ट्रिंग है दैट इज नल अब अब देखिए देखिए अगर मैं B के स्टार को पुट कर देता दोनों स्टार इज इनडिपेंडेंट ये बहुत से बार डाउट आता है कि सर अगर इस स्टार की वैल्यू वन रखी है तो क्या इसकी भी वन रखेंगे दैट इज नॉट कंपलसरी ठीक है यानी दोनों स्टार आपके इंडिपेंडेंट है आप इस स्टार पे वन रख सकते हैं और इसको जीरो रख सकते हैं ठीक है या इस पे जीरो या इस पे वन या इस पे टू और इस पे जीरो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं बोथ स्टार आर इंडिपेंडेंट तो कहीं भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो आपका स्टार या पावर में प्लस लिखा है सो दैट ऑल आर इंडिपेंडेंट ठीक है आपस में रिलेटेड नहीं होंगे तो मान लीजिए मैंने बी स्टार की वैल्यू जीरो फिक्स कर दी ठीक है तो बीस स्टार की वैल्यू अगर आपने जीरो फिक्स कर दी तो ए की स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है ए स्टार पे आपने वन रखा दैट इज वन सिंगल है फिर ए स्टार पे आपने टू रखा तो डबल ए आ जाएगा फिर ट्रिपल ए आ जाएगा आपका ठीक so है एंड रहे फिर आपने अगर मान लीजिए को zero fix कर दिया और बी डबल तो B, 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 so अब मान लीजिए हम दोनों स्टार पे कुछ वैल्यू रखते हैं ठीक है यानी यहाँ पे भी मैंने कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट ग्रेटर देन जीरो और इस स्टार पे भी कोई ग्रेटर जीरो रखी तो स्ट्रिंग क्या बनेगी आपकी नंबर ऑफ ए और कंटिन्यूसली नंबर ऑफ बी ठीक है लेकिन क्या बी के बाद ए आ सकता है बी के बाद फिर से ए आ पाएगा क्या नो इट इज नॉट पॉसिबल यस बिकॉज आपका ए स्टार बी यानी एंड विथ बी हो रहा है आपका क्लियर है तो देखिए अगर हम अगेन ऑटोमेटा स्टार्ट करते हैं विथ मिनिमम स्ट्रिंग दैट नल तो नल के लिए इनिशियल को फाइनल बना दिया फिर हम बोल रहे हैं सिंगल ए नंबर ऑफ ए जितने भी ए हैं सारे एक्सेप्ट होंगे ठीक है सो so, हमने यहाँ पे ए का लूप लगा दिया दैट इज दस ए ए ए ए अब हमें पता है कि जैसे ही बी आता है इस लैंग्वेज में जैसे ही बी आएगा बी के बाद ए नहीं आ सकता यानी कि इस पे जैसे ही आपने इनपुट बी अप्लाई किया उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि हमें स्टेट चेंज करना रहेगी क्लियर है कि नंबर ऑफ ए और ए के बाद बी आ सकता है आपका या सिर्फ ए आएगा तो इसी स्टेट पे एंड हो जाएगा और ये फाइनल बना दिया आपने सो so, ए के बाद अगर बी आता है तो आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे एंड दैट स्टेट इज ऑल्सो फाइनल तो देखिए अगर इनिशियल स्टेट पे डायरेक्ट बी आ जाता है तो हमने बोला सिंगल बी भी जनरेट हो रहा है तो देखिए सिंगल बी एक्सेप्ट बी के बाद जितने भी बी आएंगे सारे एक्सेप्ट ठीक है बी के पहले ए भी आ सकते हैं तो इस लूप से आप ए रीड कर लेंगे तो नंबर ऑफ ए फिर बी नंबर ऑफ बी सो ए स्टार बी स्टार इज जनरेटेड सो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर पाएंगे सो द वे ना no. देखिए, यहां पर हमने सिंपल यहां ए स्टार बी स्टार के लिए देखा तो कितनी स्टेट यहां तो देखिए अभी हम सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं ठीक है हमने कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं पूछा है कि किस पर्टिकुलर टाइप का ऑटोमेटा आपको चाहिए यहाँ पे दो टाइप के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं ठीक है अभी हमने जस्ट क्या बोला अगर हमें बोला है कि जस्ट कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा सो इन दिस केस हम क्या बोल रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार जो है आपका दैट मिनिमम स्टेट कितनी आपकी लग रही है उसमें टू स्टेट में आपका ये बन रहा है ठीक है अब दैट इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट दैट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा ठीक है वॉट एवर द टाइप बट अभी हमने जस्ट कंस्ट्रक्शन देखा कि किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं ठीक है ना अब देखिए नाउ अब यहां पर हम देखते हैं पहले हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटी रूल्स क्या होते हैं ठीक है उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फाइनेट ऑटोमेटा पे आएंगे सो आइडेंटिटी रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए सो जस्ट राइट डाउन द हेडिंग आईडेंटिटी रूल्स आइडेंटिटी रूल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी रूल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन सो द फर्स्ट रूल इज देखिए पहला रूल क्या है आपका अगर हम यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक वॉट एवर द एक्सप्रेशन जैसे हमने यहाँ पे लिखा इज़ दी पी ठीक है या एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने तो आर का होल स्टार अगर आप लिखेंगे ठीक है Whole star, और इसका एक और बार हमने स्टार पर दिया so हैीनिंग so नहीं है आर स्टार इज जनरेट ऑल दिंग जब ऑलरेडी ऑल स्ट्रिंग ऑफ आर जनरेट हो रही है तो उसका होल स्टार परफॉर्म करेंगे तो भी आपके वही एक्सप्रेशन जनरेट होगा तो दैट इज दिसार ठीक है नेक्स्ट देखिए अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि फाइव क्या है आपका दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो सो फाइव का स्टार अगर आप परफॉर्म करेंगे सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट फाइव स्टार तो देखिए किसी की भी पावर जीरो हमने क्या बोला एनीथिंग पावर जीरो क्या होती है अकॉर्डिंग टू मैथ्स वन और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एनीथिंग पावर जीरो इज नल तो फाइव स्टार फाइव स्टार फाई स्टार की वैल्यू जीरो रखने पे क्या देगा नल जनरेट करेगा और फाइव की वैल्यू स्टार की वैल्यू वन रखने पे फाइव टू रखने पे फाइव इंटू फाइव ऑल तो बिकम्स अ फाइव यानी फाइव का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आप दैट इज ऑलवेज फाइव ठीक है लेकिन जीरो पुट करने पर वो क्या जनरेट कर रहा है आपका नल जनरेट कर रहा है यानी कि स्टार इज इक्विवेलेंट टू नल सो कहीं भी आपका फाइव का स्टार लिखा हुआ आता है सो इट इज नॉट फाइव इट इज इक्विवेलेंट टू नल ठीक है सो ये हमें याद रखना है फाइव स्टार इज नल ठीक है और अगर मान लीजिए नल स्टार लिखा है आपको ठीक है दैट नल स्टार सो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नल ठीक है सो नल नल स्टार इज नेक्स्ट मान लीजिए आपने लिखा है आर आर स्टार ठीक है आर इन टू आर स्टार सेम टाइप का एक्सप्रेशन है सो दैट इज टू आर आर स्टार यानी आप आर आर स्टार लिखे या पहले आर स्टार लिखे और बाद में आर स्टार आर लिखे तो देखिए आर क्या है आपका कोई भी एक्सप्रेशन आर की प्लेस पे जो भी इनपुट का एक्सप्रेशन लिखा होगा कोई कितनी भी लेंथ का एक्सप्रेशन हो सकता है ठीक है सो वो इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है सो यू कैन यूज दैट

सो so, स्टार की वैल्यू जीरो रखने पे आपका ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा नल हो जाएगा ठीक है तो क्या बचा आपके पास सिंगल है ठीक है तो स्टार की वैल्यू जीरो रखने पे सिंगल है स्टार की वैल्यू वन रखने पे डबल है स्टार की वैल्यू टू रखने पे ट्रिपल ए एंड सो ऑन यानी कि दिस सेट इज इक्वीवेंट टू ए प्लस प्लस यानी मिनिमम रेंज कहां से स्टार्ट होगी वन से तो प्लस की वैल्यू वन रखने के सिंगल है टू रखने पे डबल है ट्रिपल है एंड सो ऑन सो आर प्लस किसके इक्विवेलेंट हो गया आपका दैट इज इक्विवेलेंट टू आर आर स्टार या आर स्टार आर ठीक है सो एग्जेक्टली आप कोई भी एक्सप्रेशन के लिए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अब देखिए ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे बोला कि नल डॉट ए हो जाएगा सो so ये आप यहाँ पर एज अ आइडेंटिटी रूल यूज कर सकते हैं कि नल डॉट किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने अगर नल का मल्टी कॉन्केटिनेशन किया नल डॉट आर लिखा या फिर आर डॉट नल लिखा वो थर इक्वीवेंट टू आर क्योंकि देखिए नल को हम कैसे यूज कर रहे हैं एज ए आइडेंटिटी वन जैसे मैथ्स में हम बोल रहे हैं कि वन है किसी की पावर क्या होती है वन होती है ठीक है तो नल को हमने एज अ आइडेंटिटी यूज किया है यहाँ पे सो so नल का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें हम वही जनरेट होगा यानी कि यहां हम नंबर यानी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो नल का मल्टीप्लीकेशन या कॉन्केटिनेशन किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में करेंगे आप सो वही रेगुलर एक्सप्रेशन आपका जनरेट होगा गॉट इट तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लियर नाउ नेक्स्ट पी क्यू होल स्टार पी मान लीजिए इस टाइप से लिखा हुआ है आपका पी क्यू होल स्टार पी देखिए दैट इज द इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है ठीक है तो ये रूल हमें देख लेना है पी क्यू होल स्टार पी दैट इज इक्विवेलेंट टू पी क्यू पी होल स्टार ठीक है यानी कि पी क्यू होल स्टार पी लिखें आप या फिर इधर से पी कॉमन लेके क्यू पी होल स्टार कर दें दोनों से सेम टाइप की स्ट्रिंग जनरेट होगी आपकी

तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखें पी क्यू पी क्यू बोथ एक्सप्रेशन आर एक्जेक्टली सेम सो दैट्स दैट इज इक्विवेलेंट नाउ द नेक्स्ट देखिए हमने यहां पर लिखा दैट इज पी प्लस क्यू होल स्टार ठीक है पी प्लस क्यू होल स्टार अगर आपने लिखा एंड इफ यू राइट पी स्टार प्लस क्यू होल स्टार तो देखिए जब पी क्यू होल स्टार आप लिख रहे हैं ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं दिस टू आर इक्विवेलेंट और नॉट दिस टू आर इक्विवेलेंट और नॉट नो सर नहीं होगा क्यों देखिए अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं P plus Q star. P plus Q star, अगर कोई कोई भी है है या कोई दो मान लीजिए तो star मतलब क्या हो हो गया गया कि और और के के सारे होंगे लिए तो जब ये यूनिवर्सल है और इस स्टार की वैल्यू में अगर वन पुट कर देता हूं तो ये भी क्या बन जाएगा आपका तो चुके हैं तो यहाँ पे आप स्टार की वैल्यू अलग रख के नया कोई कॉम्बिनेशन कहा से जनरेट करेंगे यानी जब ऑलरेडी इसमें सारे कॉम्बिनेशन है यानी डेफिनेटली ये स्टार लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी स्ट्रिंग वही जनरेट होगी सो बोथ आर इक्विवेलेंट ठीक है यू कैन से दैट कि सिर्फ Q का स्टार कर दिया आपने तो भी इक्विवेलेंट होगा या आपने इसको लिख दिया पी स्टार प्लस क्यू स्टार दोनों का स्टार और होल स्टार कर दिया दैन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट होल स्टार आपका चारों एक्सप्रेशन में लिखा है सो दैट ऑल आर इक्विवेलेंट सारे क्या होंगे आपके ये क्वीवेलेंट होंगी क्लियर है सॉरी ए की जगह पी क्यू लिखे आप ठीक है हमने इनपुट जो लिया है दैट पी एंड क्यू कंपेयर उसी से करेंगे हम पी स्टार क्यू स्टार होल स्टार इज इट इक्वीवेलेंट टू दिस जो इक्वेशन हम ऊपर लिख रहे हैं दैट पी स्टार क्यू स्टार होल स्टार्टार्यू स्टार होल स्टार क्या ये एक्सप्रेशन आपका पी प्लस क्यू होल स्टार या इन सब में से इनके इक्वीवेंट होगा या नहीं इट इज इक्वीवेंट और नॉट ये तो नहीं होगा देखिए कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम जस्ट ये आइडेंटिटी रूल्स हम जो ये लिख रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड ठीक है मतलब ये इतने हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए ठीक है बाकी लॉजिक से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो अलग चीज है बट आप जब भी कंपैरिजन करते हैं मान लीजिए ये तो आइडेंटिटी कोई डायरेक्टली दिख रहा है तो हम यूज कर लेंगे कंपेरिजन कैसे करना है तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें पी प्लस क्यू होल स्टार होल तो स्टार का मतलब क्या है इस पेयर को आप कितनी भी बार ओपन कर सकते हैं स्टार की वैल्यू अगर मैंने टू रखी तो क्या आएगा पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू करेक्ट स्टार की वैल्यू अगर थ्री रखी तो पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इन पी प्लस क्यू थ्री टाइम ओपन होगा गॉट इट अब यहां पे चॉइस क्या है आपकी या तो यहां से पी ले सकते हैं या क्यू ले सकते हैं फिर सेकेंड पेयर में भी या तो पी ले सकते हैं या क्यू फिर थर्ड पेयर से या तो पी लेंगे या फिर क्यू गॉट इट सो इन दिस केस आपके हर एक पेयर में दो चॉइसेस है या तो पी ले सकते हैं या फिर क्यू तो क्या सेम पेर टर्न यहां पे नहीं बना सकते हम तो देखिए ऊपर वाले स्टार को अगेन आपने थ्री टाइम ओपन कर दिया तो देखिए पी स्टार क्यू स्टार क्यू स्टार एंड पी स्टार क्यू स्टार, स्टार, स्टार. ठीक है अब फर्स्ट पेयर से अगर आपको पी चाहिए तो इस स्टार की वैल्यू वन रख के इस Q को जीरो कर देंगे तो P आ जाएगा अगर Q चाहिए तो P को जीरो करके Q जनरेट कर सकते हैं सेम सेकेंड पेयर से भी कर सकते हैं सेम थर्ड पेयर से भी कर सकते हैं तो एक्जेक्टली exactly वही पैटर्न बन रहा है पे और ये तो हमें पता ही है कि ये यूनिवर्सल है तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कहीं ना कहीं इसके इक्विवेलेंट हो सकता है इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है तो जब इसके इक्विवेलेंट बन रहा है वो सो so डेफिनेटली दोनों क्या है इक्वल है बोथ आर अगेन इक्वल ठीक है सो द्रेशन आर इक्वल इनमें से किसी को भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं आप जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी सो यू कैन रिप्लेस एनी वन बाय एनी वन गॉड एट सो देखिये यहां पर ये एक्सप्रेशन हमने लिखा धाड़स दस देखिए एट वन भी यही लिख देता हूं मैं एथ एक्सप्रेशन जैसा हमने बोला कि null .r equals to r .null equals to r. वैसे अगर आप फाइव का concatenation किसी expression के साथ करेंगे तो वो फाइव हो जाएगा right? यानी जीरो की तरह वर्क कर रहा है कि जीरो का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया नंबर जीरो हो गया और मान लीजिए फाइव का कहीं एडिशन हो रहा है फाइव प्लस आर सो इट बिकम्स द आर ठीक है यानी फाइव के एडिशन से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है आपका ठीक है ना इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन होता है आपका लाइक like, अगर मान लीजिए पी क्यू आर तीन एक्सप्रेशन है आपके ठीक है दैट इज पी क्यू आर थ्री एक्सप्रेशन सो पी इन टू क्यू प्लस आर लिखा है सो दू पी क्यू प्लस पी आर यानी नॉर्मल जैसा मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं उस तरीके से आप ब्रेकेट ओपन करके यहां एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं पी क्यू आर तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है सो दैट इज इक्वीव टू पी क्यू प्लस पी आर तो जस्ट आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया नॉट ओके देखिये एक डाउट है यहां पर इट इज इक्वेलेंट और नॉट दैट पी स्टार क्यू होल स्टार इज इक्व टू पी प्लस क्यू होल स्टार क्या ये इक्वेलेंट होगा देखिए एक डाउट आया इज इट और नॉट सर यहाँ क्यू की वैल्यू को जितना चाहेंगे उतना नहीं कर सकते हैं एक ही ठीक है देखिए कोई एक ऐसी स्ट्रिंग बताइए जो यहां से जनरेट हो रही है और यहां से नहीं हो रही है कभी भी हम किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करेंगे तो उसके लिए एक रीजन भी देना पड़ेगा हमें कि यस दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है यहां से तो सब कुछ जनरेट होगा पी क्यू से कॉम्बिनेशन सारे फर्स्ट वाले से कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो आपकी मतलब सेकेंड वाले से जनरेट हो रही है बट फर्स्ट से नहीं हो रही टू पी क्या टू क्यू टू क्यू पी पी डबल क्यू पी यस सर ओके तो देखिए डबल क्यू पी यानी कि टोटल लेंथ थ्री चाहिए आपको तो अगर आप थ्री लेनी ओपन जो आपका आउटर ब्रेकेट है इसको कितनी बार ओपन करना पड़ेगा आपको टू बार तो लेना ही पड़ेगा क्लियर है यानी कि सॉरी थ्री टाइम्स तो लेना ही पड़ेगा हमें सो so, अगर हमने यहां पर इसको लिखा पी स्टार क्यू पी स्टार क्यू ठीक है क्यू सो so, अगर आप यहां पर थ्री टाइम्स लेते हैं तो क्यू कितनी थ्री बार सो so, आपका क्यू जो है so यानी कि एक्सप्रेशन को दो ही बार ओपन कर सकते हैं आप लेकिन अगर आपने टू टाइम्स ओपन किया ठीक है आउटर स्टार की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं ओनली टू सो टू टाइम्स अगर आप ओपन करेंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पी कितने भी ले सकते हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमें क्यू चाहिए तो इस पी को नल रख दिया तो क्यू बन गया यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूसली क्यू चाहिए तो इस पी को भी नल रख दे तो क्या बन गया क्यू बन गया लेकिन दो क्यू आ गए लेकिन पी जनरेट नहीं हो रहा है वहां पे क्लियर है पी जनरेट क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आपको फिर से पी जनरेट करना है तो ऑटोमेटिकली क्यू भी उसके साथ आ जाएगा सो दैट टाइप ऑफ पैटर्न इज नॉट जनरेटेड करेक्ट सो विद दिस रीजन वी कैन से दैट इट इज नॉट इक्वी वेल गोड एट तो देखिए कभी भी हमें कोई भी डाउट आए सो जस्ट प्रूफ दैट एक्सप्रेशन यानी कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन गेट में आए हुए जो हम डिस्कस करेंगे अभी तो यहां पे क्वेश्चन किस टाइप से आपको कोई भी पैटर्न दिया है तो रेगुलर एक्सप्रेशन का तो आप ट्राई करें क्योंकि चार ऑप्शन दिए हुए रहते हैं तो हम ट्राई करें कि तीन ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे राइट right आंसर पे जाएंगे और उसको रिजेक्ट करने का भी एक डायरेक्ट शॉर्टकट है ठीक है वो हम देखेंगे कि हाउ टू रिजेक्ट एक्सप्रेशन के आपके आते हैं उसमें किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करते तो रूल पर, है लास्ट वन ये भी लिख लेते हैं देखिए अगर कहीं एक्सप्रेशन आपका आता है नल प्लस आर आर स्टार तो देखिए नल प्लस आर आर स्टार अभी हमने आर आर स्टार को क्या लिखा था आर प्लस आर 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 प्लस यानी कि से जनरेट होने वाली सारी स्ट्रिंग सिंगल डबल ट्रिपल एंड स्टोन सिर्फ कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है यहां से देखिए अगर हमने ये यहां पे साइड में जो एग्जांपल लिखा है ए स्टार ए इट इज इक्वेल टू ए प्लस यानी कि इस सेट में सारी स्ट्रिंग है ए की एक्सेप्ट जीरो लेंथ का नल जनरेट नहीं हो रहा है ठीक है तो आपने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है इसमें क्या लिखा है आपने नल प्लस आर आर स्टार अब देखिए नल को लेमडा और एप्सलॉन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है सो हमने यहां पे नल लिखा है दैट मीनिंग इज सेम सो नल प्लस आर 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 स्टार स्टार कैन वी राइट दिस इक्विवेलेंट टू क्या ये आर स्टार के इक्विवेलेंट होगा यस yes, डेफिनेटली होगा क्योंकि देखिए नल प्लस आर आर स्टार से हम क्या बोल रहे हैं आर आर स्टार जनरेट दैट ऑल स्ट्रिंग ऑफ आर प्लस आर so, प्लस की स्ट्रिंग यानी कि ये ए स्टार हमने क्या लिख दिया ए प्लस तो इसमें सारी स्ट्रिंग आ चुकी है बस नल नहीं है अगर आपने इसमें नल एड कर दिया तो इट बिकम्स ए स्टार सो एक्टली ये डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें रूल्स यूज होते हैं दैट्स वाई हम यहां पर लिख रहे हैं इनको ना ऑपरेशन है तो नल सेट में एड नहीं होगा वट इज द मीनिंग ऑफ दैट और ऑपरेशन है तो ऐड नहीं देखिए एड क्यों नहीं होगा एड तो बिल्कुल होगा और ऑपरेशन है तो तभी तो ऐड करेंगे देखिए सेट में एड करने का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक साथ जनरेट होंगे हमने यहां लिखा है नल प्लस आर आर स्टार ठीक है तो आप मेरे को ये बताइए क्या इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या इससे मैं नल जनरेट कर सकता हूं यस और नो इस एक्सप्रेशन से नल जनरेट होगा यस ठीक है सो अगर जो भी स्ट्रिंग इस एक्सप्रेशन से जनरेट होगी वो हम सेट में लिख रहे हैं तो इससे नल जनरेट होगा वो लिख लिया हमने इससे सिंगल आर जनरेट हो जाएगा इस स्टार की वैल्यू जीरो रखी ठीक है इससे आपका डबल आर जनरेट हो जाएगा ट्रिपल आर जनरेट हो जाएगा एंड सो ऑन तो जब ये सारे जनरेट हो रहे तो इट बिकम्स आर स्टार ठीक है दैट से देखिए प्लस इज इक्विवेलेंट टू यूनियन एक्जेक्टली प्लस का मतलब यूनियन है और कंडीशन देखिए हमने वहां पे एक्सप्रेशन लिखा था जब भी आपको जैसे लिखा प्लस पी प्लस क्यू लिखा हो या फिर पी ऑब्लिक क्यू लिखा हो या फिर पी कॉमा क्यू लिखा हो या फिर पी और क्यू लिखा हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर हियर प्लस मतलब और वाली कंडीशन ठीक है सो दैट ऑल आर इक्विवेलेंट अब इनकी पावर में स्टार लिखा है प्लस लिखा है वॉट एवर जो भी लिखा होगा दैट ऑल आर कंसिडर्ड ठीक है चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे दैट इज अ गेट क्वेश्चन बताइए विच वन इज इक्विवेलेंट ठीक है विच वन इज इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हैं आपको बताना है कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है फर्स्ट एक्सप्रेशन इज डैट इज जीरो जीरो स्टार नल प्लस जीरो सेकेंड एक्सप्रेशन डैट इज जीरो जीरो होल स्टार Third expression that is zero star and the fourth expression is zero 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 whole star. Which one of the following are equivalent? First option, first and second, second option, second and third, third option, first and third, and the last one is third and fourth. कौन से एक्सप्रेशन इक्वी होंगे दैट इज क्वेश्चन तो देखिए सिंपल तरीका आपका एक सिंपल वे तो ये कि आप चारों एक्सप्रेशन के सेट डिजाइन कर ले और डेफिनेटली आप सेट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से दो इक्विवेलेंट है ठीक है या फिर एक रेंडम स्ट्रिंग आप जनरेट करके देख सकते हैं कि किस एक्सप्रेशन से सेम स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो रही है और किससे नहीं हो रही है। Okay. चलिए कुछ आंसर्स आए हैं यहाँ पे देखते हैं लेट्स क्रॉस चेक देखिए क्या करना है आपको पहले तो हम देखते हैं कि सेट के थ्रू हम कैसे करेंगे सो so, देखिए आप हमेशा सबसे पहले कभी भी ऑप्शन कोई भी ऑप्शन हो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है सो बेस्ट टेक्निक क्या है आपकी सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करें चारों एक्सप्रेशन में से मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रही है ठीक है तो देखिए दैट फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दिया है इसकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी तो मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट करना है यानी इस स्टार को जीरो पुट कर दिया आपने तो यहां से सिंगल जीरो आ गया दैट इज दिस ठीक है और ये और वाली कंडीशन है यानी ये जीरो जीरो स्टार नल में मल्टीप्लाई होगा जीरो जीरो स्टार जीरो में तो इस सेकेंड वाले ब्रेकेट से या तो नल ले सकते हैं या जीरो ले सकते हैं तो हमने मिनिमम जनरेट करना है तो हमने बोला इस स्टार को जीरो पुट किया यहां से जीरो लिया और इस नल के थ्रू जीरो जनरेट कर दिया यानी मिनिमम जीरो आ रहा है यहाँ पे इससे मिनिमम क्या आ रहा है स्टार की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो नल आ रहा है तो देखिए फर्स्ट और सेकंड तो इक्विवेलेंट हो नहीं सकते आप तो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया आपका ये गया ठीक है यहां से मिनिमम क्या आएगा आल्सो नल ठीक है तो इन दोनों से नल आ रहा है करेक्ट है यहां पर आपका मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रहा है दैट इज सिंगल जीरो सिंगल जीरो जनरेट कर रहा है यहां पे गॉट इट इन दिस केस ओके सो दो एक्सप्रेशन अगर आप इक्वीवलेंट बोलते हैं सो देखिये फर्स्ट और फोर्थ ओके देखिये यहां तो अब ये एक भी इक्वेलेंट नहीं होगा थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन दैट इज होल स्टार ठीक है चलिए अगर होल स्टार हमने नहीं लिखा तो क्या किसी के इक्विवेलेंट हो रहा है ये कुछ आंसर आ रहे थे आपके देखिए फर्स्ट और सेकेंड तो हमने बोला कि नहीं होगा फर्स्ट और थर्ड भी नहीं हो सकता तो ये दोनों ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गया सेकेंड एंड थर्ड तो डेफिनेटली इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि ये सिर्फ इवन जीरो जनरेट करेगा और ये सारे जीरो जनरेट करेगा तो सेकेंड थर्ड भी नहीं है और थर्ड फोर्थ दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ठीक है सो इट इज होल स्टार ठीक है सॉरी दैट इज मिस्टेक हमने यहां पर होल स्टार नहीं लिखा है ठीक है तो फिर मतलब जिसका भी आंसर आ रहा था सबके गलत आंसर है ठीक है अब जो राइट right आंसर आएगा आपका दैट इज सी क्लियर है क्योंकि अगर आपने यहां होल स्टार नहीं लिखा तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा आपका नाउ इट इज सी क्योंकि देखिए अब ये इस केस में अब इसकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो गई होल स्टार नल और यहां से भी नल ले लिया हमने सो दैट इज नल ओनली ये क्लियर है ना दैट नल एंड डॉट नल नल डॉट नल इज नल ठीक है यहां से नल जनरेट हो रहा है यहां से तो देखिए फोर्थ वाला ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्थ किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता तो फोर्थ डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा आपका दैट लास्ट ऑप्शन डी इज डायरेक्टली रिजेक्टेड क्लियर है नाउ अब बचे आपके ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो देखिए सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑलवेज क्या जनरेट करेगा फर्स्ट नल जनरेट किया फिर टू जीरो फिर फोर जीरो यानी जब भी आपका स्टार ओपन होगा तो टू के मल्टीपल में जीरोस जनरेट होंगे लेकिन थर्ड वाले में अगर आप देखिए तो ये सारे जीरो जनरेट कर रहा है डबल जीरो ट्रिपल जीरो यानी कि सेकेंड और थर्ड इक्विवेलेंट नहीं हो सकते तो सेकेंड थर्ड गया आपका ठीक है so, सो अब एक ही ऑप्शन बचता है आपका दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड गॉट इट सो दी इज राइट आंसर डेफिनेटली फर्स्ट और सेकेंड भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट से भी आप सिंगल जीरो जनरेट कर सकते हैं दैट सिंगल जीरो इज जनरेटेड बाई दिस आप इसको नल पुट कर जीरो या पूरा सेट लिखे आप तो जीरो भी भी आएगा, भी आएगा, डबल जीरो से मल्टीप्लाई तो तो कर, तो कर देंगे तो नल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल जीरो ट्रिपल जीरो फोर जीरो एंड सो दिस एक्सप्रेशन इज इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट टू जीरो स्टार दैट इज इक्विवेलेंट टू जीरो इट तो क्या आप इसको आइडेंटिटी रूल से भी डिजाइन कर सकते हैं ठीक है सो द सी इज द राइट आंसर चलिए सो मिनिमम स्प्रिंग की लॉजिक से आप बना सकते हैं यहां पर अब देखिए अगर एक क्वेश्चन और यहां पर दिया है आपको विच रेगुलर एक्सप्रेशन

Zero star one plus zero whole star second option zero star one zero one zero whole one zero star C option that is zero star one star zero one star D option zero star one zero plus one whole star ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें वन जीरो जीरो एज अ सब स्ट्रिंग नहीं आ रही है यानी उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी वन जीरो जीरो नहीं आ रहा है तो वो स्ट्रिंग उस एक्सप्रेशन से जनरेट होनी चाहिए देखिए एक क्वेश्चन आया कि अगर कोई ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या वो ये ऑटोमेटा उसके सबसेट को एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली नॉट 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 ठीक ठीक है दैट इज आंसर अब कैसे होगा है ये हम रेगुलर लैंग्वेज पढ़ेंगे तब बताऊंगा क्योंकि सबसेट आपका अगर कोई देखिए ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है रेगुलर और अगर आप किसी रेगुलर का सबसेट लेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि रेगुलर ही रहे हो सकता है वो रेगुलर नहीं हो डेफिनेटली so अगर वो रेगुलर नहीं होगी तो उसको ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है डिस्कस दी प्रॉपर्टी जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सबसेट ऑपरेशन का लॉजिक क्या होता है ठीक है सबसेट इज अपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन सबसेट कॉन्केटिशन सारे डिस्कस करेंगे हम सो so अभी इसका आंसर है दैट इज नॉट ठीक है किस केस में हो सकता है बट हमेशा ट्रू नहीं होगा ओके so okay, यहां पर कुछ आंसर्स आए हैं दैट इज डी कुछ आ रहा है सी वन जीरो जीरो एज अ सब स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए तो आपको किस किस ऑप्शन उप, से दिख रहा है कि वन जीरो जीरो सब स्ट्रिंग नहीं है आपको एक से ज्यादा राइट लग रहे होंगे यस yes. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन पूरा रहेगा आपको बट इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल वे आपको कौन कौन से ऑप्शन लग रहे हैं यहाँ पे कि जिससे वन डबल जीरो एज अ नहीं होगी दैट इज बोथ करेक्ट ठीक है क्योंकि देखिए आपको बोला है एज अ नहीं होनी चाहिए तो आपका मेन सबसे पहले सोल्व करने का तरीका क्या होगा आप वो ऑप्शन सर्च करें जिसमें वन डबल जीरो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन से वन डबल जीरो जनरेट कर सकते हैं तो यस yes, ये जीरो स्टार है यहां से कितने भी जीरो ले लिया आपने फिर यहां से वन प्लस जीरो होल स्टार तो डेफिनेटली वन प्लस जीरो होल स्टार से आप स्टार की वैल्यू थ्री रख के एक बार वन और दो बार जीरो ले सकते हैं यानी वन डबल जीरो आपकी ये स्ट्रिंग यहां से जनरेट होगी डेफिनेटली सो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्योंकि वन डबल जीरो नहीं आनी चाहिए यहां से आ रही है यानी कि दैट इज नॉट राइट आंसर अगेन इस पार्ट में भी आप बोल सकते हैं कि आगे से जो भी स्ट्रिंग आप ले रहे हैं इस वन और इस स्टार की वैल्यू टू रखेंगे तो वन डबल जीरो जनरेट कर देगा ये वाला पार्ट आपका यानी कि इसकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें वन डबल जीरो एज अ सब स्ट्रिंग आ सकती है दैट इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर बट इन दोनों ऑप्शन से वन डबल जीरो कभी नहीं आएगा बट आंसर तो एक ही है so, कौन सा होना चाहिए दोनों ही आंसर से वन डबल जीरो एज ए सब स्ट्रिंग कभी जेनरेट नहीं होगी ठीक है लेकिन फिर भी आंसर एक ही करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें वन डबल जीरो नहीं है ठीक है लेकिन हो सकता है कोई ऐसी वन डबल जीरो नहीं है और वो भी जनरेट नहीं हो रही हो यानी आपको रिवर्स डायरेक्शन में देखना है यस सी इज नॉट जनरेट एंड विथ जीरो तो आप देखिए इस टाइप को कैसे सॉल्व करें तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी मिनिमम स्ट्रिंग है जिसमें जीरो नहीं आएगा वॉट इज द मिनिमम स्ट्रिंग दैट डज नॉट कंटेन दिन जीरो नहीं है यानी नल एक्सेप्ट होना चाहिए राइट right आंसर से बट सी ऑप्शन से नल आएगा क्या ठीक है सी क्या जनरेट कर रहा है जीरो स्टार वन स्टार जीरो वन स्टार तीनों स्टार पे जीरो रख देंगे तो भी आपका मिनिमम जीरो जनरेट करेगा ये क्लियर है सो डेफिनेटली नल भी एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि नल में 100 नहीं है यानी कि ऑप्शन राइट right नहीं है सो डी इज राइट राइट आंसर अब देखिए right को राइट right प्रूफ करने में ज्यादा टाइम लगेगा बट अगर आप रॉन्ग को रॉन्ग प्रूफ इजीली कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली अगर वो रॉन्ग है तो कोई ऐसी स्ट्रिंग से वो रिजेक्ट होगा जैसे हमने यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया इसको रिजेक्ट किया अब इस ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है लॉजिक कि वन डबल जीरो तो हम डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि वहां से जनरेट नहीं होगा क्योंकि या, तो इनी, लास्ट में वन के बाद एक ही जीरो आ रहा है और पहले नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं ठीक है बट क्वेश्चन में ये बोला है कि वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें वन डबल जीरो नहीं है लेकिन नल में भी वन डबल जीरो नहीं है और नल यहां से जनरेट नहीं हो रहा दैट्स इज नॉट राइट आंसर यहां से नल जनरेट कर सकते हैं आप दोनों स्टार को जीरो पुट कर दे सो so, ये वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें वन नहीं है यू कैन क्रॉस चेक ठीक है आप कर सकते हैं डेफिनेटली वो राइट right आंसर है तो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा सर नल हाँ। जनरेट होने से आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं होगा तो अरे देखिए क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको क्लियर है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन वो सारी स्ट्रिंग देखे द रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोट द ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट नॉट कंटेनिंग वन डबल जीरो तो आप पहले एक सेट बना ले उन सारी स्ट्रिंग का जिसमें वन नहीं है तो उसमें एक स्ट्रिंग आएगी नल एक जीरो एक वन एक डबल जीरो, एक वन जीरो इस से सारी स्ट्रिंग आएगी तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस टाइप का सेट जनरेट करना है आपको उस रेगुलर एक्सप्रेशन से तो क्या इस एक्सप्रेशन से नल जीरो वन, ये सारी स्ट्रिंग जनरेट हो पाएगी क्या ये एक्सप्रेशन नल जीरो या वन कुछ जनरेट कर रहा है यहाँ पे सिंगल जीरो तो कर रहा है नल नहीं कर रहा है वन नहीं करेगा गोटेट क्लियर है क्लियर है ना बट सेट से ये सारी जनरेट हो जाएगी दैट्स डी इज राइट आंसर ठीक है सो आपको एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इस टाइप के नंबर ऑफ कन्फ्यूजिंग आए हुए हैं और उसको इसी लॉजिक से सॉल्व करना है आपको तो पहली देखिए आप जब भी वैसे दो ऑप्शन तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे जैसे इस टाइप से दो ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो ही जाएंगे जो डायरेक्टली दिख रहे होंगे कि यस ये पैटर्न जनरेट कर रहा है अब जो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है वहां पे मिनिमम स्ट्रिंग का लॉजिक फिट कर दें आप मान लीजिए नल दोनों से जनरेट हो रहा होता तो सेकेंड मिनिमम आप ले लेंगे जीरो या वन उनसे भी हो रहा है तो थर्ड मिनिमम ले लेंगे आप डेफिनेटली सेकेंड या थर्ड में जाके आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा ठीक है चलिए सो रेगुलर एक्सप्रेशन पे और भी क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का भी लॉजिक लगेगा सो so हम पहले देखते हैं कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या क्या है फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा हमने डिस्कस किया दैट इज फाइव टपल डिवाइस सो देर आर टू टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज डी नॉन डिटर्मिनेस्टिक नॉन डिटर्मिनेस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एन एफ और डिटर्मिनेस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा

सो जस्ट कंपेरिजन वाइज अगर हम इसको डिस्कस करें ठीक है सो एनएफ ए हम क्या बोलेंगे दैट एन एफ ए कंटेन फाइव टपल्स ठीक है फाइव टपल कौन कौन से होंगे आपके सो एग्जैक्टली वही टपल होंगे दैट इज कैपिटल क्यू सेट ऑफ स्टेट्स इनपुट सिम्बॉल ट्रांजिशन रूल्स ठीक है एंड इनिशियल स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट एग्जैक्टली फाइव टपल्स यहाँ पे भी होंगे क्यू इनपुट सिंबल ट्रांजिशन रूल Q0 and F. अब यहाँ पे actually difference क्या है? इनके tuples के definition, ठीक है? यानी tuples में जो pattern होगा, जो use कर रहे वाला pattern है हमारे पास, वो different होगा. So देखिए, NFA में हम क्या बोलते हैं? Q क्या है आपके set of states से, ठीक है? थीके? यहाँ पे भी set of states होगी. Summation is input, that is also input. Transition rule, तो exact जो difference है, that is of the transition function, ठीक है? ट्रांजिशन फंक्शन का आपका डिफरेंस यहां पे होगा ठीक है मतलब क्या है कि एन एफ में किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक या एक से ज्यादा यानी कि फॉर एवरी इनपुट जीरो वन और मोर देन वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल ठीक है देखिए पॉइंट क्या लिखेंगे हम सेकेंड पॉइंट फॉर एवरी इनपुट फॉर एवरी इनपुट जीरो वन और मोर देन वन जीरो वन और मोर देन वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल जीरो वन और मोर देन वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल ठीक है और डी एफ ए क्या बोलता है कि फॉर एवरी इनपुट फॉर एवरी इनपुट देर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन There is exactly one transition on each state. ठीक है यहां पे हम क्या बोलेंगे मोर देन वन ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल अगेन ऑन ईच स्टेट इस पर भी लिख सकते हैं आप तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑटोमेटा अगर आप बना रहे हैं तो उस ऑटोमेटा पे आपने एक इनपुट अप्लाई किया तो एन में उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप एक से ज्यादा स्टेट पे जा सकते हैं या फिर एक भी स्टेट पे नहीं जा रहे हैं यानी कि उस इनपुट का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है या फिर एग्जेक्टली exactly एक स्टेट पे भी जा सकते हैं तो जीरो वन और मोर देन वन ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल बट डीएफ क्या बोलता है फॉर एवरी इनपुट देर इज एक्जेक्टली वन ट्रांजेक्शन ऑन ईच स्टेट यानी हर एक इनपुट का हर एक स्टेट पे एक्जेक्टली exactly एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना जीरो ना मोर देन वन एग्जेक्टली वन इट सो लेट्स विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अगर आप देखें यहां पर ठीक है सो so, में हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर इनपुट सेट है लाइक like आपका इनपुट सेट है दैट इज ए कॉमा बी ठीक है सो किसी स्टेट पे मान लीजिए आपने ए इनपुट दिया तो आप एक से ज्यादा स्टेट पे जा रहे हैं लाइक दिस ठीक है लाइक आपने क्यू जीरो पे ए इनपुट देने पर क्यू वन क्यू टू पर जा रहे हैं ठीक है वॉट अवर द ट्रांजिशन क्यू वन पर बी का इनपुट है सिर्फ आपका ए का नहीं है क्यू टू पे सिर्फ ए का इनपुट है बी का नहीं है ठीक है और क्यू जीरो पे बी का कोई इनपुट नहीं है तो देखिए क्लियरली आपको क्या देखना है कि किसी भी इनपुट का एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन या किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग किसी स्टेट पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है देन दैट स्ट्रक्चर इज तो ये एनएफ आपका डीएफए क्या बोलेगा अगर आपने मान लीजिए दो स्टेट लिखी है क्यू जीरो ठीक है सो और क्यू वन मान लीजिए फाइनल है तो Q0 से एक्जेक्टली exactly दो आउट गोइंग एज जानी चाहिए यानी कि दो ट्रांजेक्शन बनने चाहिए एक A का एक B का जो किसी भी स्टेट पे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज सेम Q1 पे भी एक्जेक्टली exactly दो एजेस जानी चाहिए

और मतलब फॉर्मूला वाइज पूछ सकते हैं तो हमने नॉर्मली इक्वेशन क्या बोल रहे ट्रांजिशन फंक्शन की एक स्टेट पे एक इनपुट अप्लाई किया आपने ठीक है तो जनरली हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में इक्वेशन क्या लिखी थी कि स्टेट पे अगर आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे लेकिन यहाँ पे एक स्टेट पे एक इनपुट अप्लाई करने के बाद उसके बाद कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से यानी या तो किसी स्टेट पे नहीं जा सकता या फिर एक साथ किसी दो पे चला जाएगा या फिर किसी एक पे जा सकता है या एक साथ किसी तीन स्टेट पे जा सकता है यानी कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी उस सेट ऑफ स्टेट के बनेंगे उतने आउटपुट यहां पे पॉसिबल है आपके पास ठीक है सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि दैट टोटल टू टू क्यू आउटपुट्स आर पॉसिबल ओके okay, एक डाउट है कि सर डी में अगर थ्री इनपुट होगा तो स्टेट कितने होंगे नहीं स्टेट इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रही है देखिए इट इज जस्ट एग्जांपल ठीक है स्टेट्स कितनी बनेगी ये लैंग्वेज पर डिपेंड करेगी कि किस टाइप की लैंग्वेज के लिए बनाना है स्टेट और इनपुट में कोई रिलेशन नहीं है अगर आपको तीन इनपुट बोला है तो हर स्टेट से तीन ट्रांजेक्शन बनाने आपको अगर आपको फोर इनपुट बोला है तो हर स्टेट से फोर ट्रांजेक्शन बनाने इन केस ऑफ डीएफए और एन के लिए कोई रूल नहीं है कितने भी बन सकते हैं ठीक है देखे?

सो so, ये NFA है इट इज नॉट डी एफ ए मान लीजिए आपका एक ही इनपुट है ओनली ए तो भी क्यू वन पे ए का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है क्यू जीरो से ट्रांजेक्शन बना दिया क्यू वन पे ए का कोई ट्रांजेक्शन नहीं दैट्स वाई इट इज नॉट अ डीएफए डीएफए का लॉजिक ये होता है आपका कि हर स्टेट पे जितने आपके इनपुट डिफाइन कर रखे हैं आपने हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा दो स्टेट है और दोनों स्टेट पे दोनों इनपुट के ट्रांजेक्शन है ठीक है सो दैट दफ ए अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अब देखिए ये ट्रांजिशन रूल क्लियर है स्टेट पे इनपुट अप्लाई किया तो टूरेस्ट टू क्यू हमने क्यों लिखा है कि आपका जो आउटपुट है वो एक से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता है ठीक है दैट टूरेस्ट टू क्यू और डीएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी क्यू इन टू इनपुट दैट इज इक्व टू क्यू ठीक है क्यू का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक सेट है लाइक like, आपने सेट ऑफ स्टेट्स में लिखा है दैट इज ठीक है तीन स्टेट लिखी है मान लीजिए और किसी भी इनपुट को अप्लाई किया लाइक जीरो आउटपुट के लिए हमने जो सेट लिखा है दैट इज ऑल्सो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट यानी कि क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू पे इनमें से कोई भी इनपुट अप्लाई करे जीरो या वन आउटपुट या तो क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू तीनों में से कोई भी एक आउटपुट आएगा आपका लेकिन ये क्या बोल रहा है आपका टू रेस्ट क्यू का मतलब क्या हुआ जितने भी इनपुट है उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है? सबसे लिखा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू तीन स्टेट है उस पर इनपुट अप्लाई किया जीरो वन आउटपुट में क्या आ सकता है आपका या तो सिर्फ क्यू जीरो आ जाए यानी क्यू जीरो पे जीरो इनपुट दिया आपने तो हो सकता है कि क्यू जीरो पे ही चला जाए या हो सकता है किसी पे नहीं जाए या एक साथ जीरो और वन दो पे चले जाए तो इनके जितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उतने आउटपुट के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसलिए हमने टू क्यू लिखा टू क्यू यानी कि सेट ऑफ ऑफ ऑल सबसेट्स स्टेट्स ठीक है जितने भी सबसेट्स बनेंगे स्टेट के वो सारे कॉम्बिनेशन आपके आउटपुट में कंसिडर होंगे दैट्स वाई रेस टू क्यू लिखा हमने ठीक है

then corresponding DFA then corresponding DFA यानी उसके लिए जो DFA आप बनाएंगे corresponding DFA contain maximum two s to n state ठीक है if NFA contain n state then corresponding DFA contain maximum two s to n state ठीक है maximum का मतलब ये हुआ कि आपके NFA में मान लीजिए तीन state है तो उसका जो DFA बनेगा वो मैक्सिमम एट स्टेट तक जा सकता है लेकिन 8 या से से कम में वो हो जाएगा ज्यादा नहीं होगी पॉइंट सो एन एस एन एफ ए से डीएफए कन्वर्जन पॉसिबल है जनरली हम चाहते हैं हर लैंग्वेज के लिए क्या बनाए डिटर्मिनेसिक ऑटोमेटा वॉट वाई दिस इज क्यों चाहते हैं हम कि DFA बने क्योंकि एन ए क्या बोलता है किसी स्टेट पे किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें डिसीजन एग्जेक्ट नहीं मिलेगा मान लीजिए इस केस में हम बोले कि क्यू जीरो पे ए इनपुट देने पर हम क्यू वन पे भी जा सकते क्यू टू पे भी सो so, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि, कि किस स्टेट पे जाने पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है किस स्टेट पे जाने पे नहीं या मतलब हम एट ए टाइम दो पाथ है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते ठीक है सो डिटर्मिनेस्टिक क्या बोलता है कि हर एक इनपुट पे आपका एक्जेक्टली exactly एक ही ट्रांजिशन है तो यू कैन इजिली मूव दैट पर्टिकुलर ऑटोमेटा उस ऑटोमेटा को इजीली ट्रैवर्स कर सकते हो आप सो दैट्स वाई डीएफए को हम जनरली प्रेफर करते हैं सो अगर आपका एन एफ एक्चुअली एनएफ ए क्यों बनाया जाता है कि एनएफए को डिजाइन करना इजी, किसी लैंग्वेज से आप डायरेक्टली डीएफए इजीली नहीं बना सकते ठीक है उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोसीजर वाइज चलना पड़ेगा या फिर आपको अगर प्रैक्टिस है, तो यू कैन डिजाइन बट एनएफए बनाना बहुत ईजी होता है प्रोसीजर so, कि पहले आप एन और फिर उस ले को डीएफए में कन्वर्ट so, एक तो ये ये का ठीक है है फिर और एक ये point आप याद रखें कि अगर N state है तो डीएफए मैक्सिमम टूरेस्ट टू एन स्टेट क्योंकि इस पर डायरेक्टली टू से थ्री टाइम क्वेश्चन का आ गया कि अगर एन एफ एन स्टेट कंटेन करता है तो डीएफए में मैक्सिमम कितनी होगी टू एस टू एन एन की जगह के लिख दिया किसी बार पी लिख दिया था किसी बार एन लिख दिया था बट लॉजिक इज सेम ठीक है नाउ अब देखिए इन दिस केस यहां हमने देखा यस आर्यन कुछ डाउट So, देखिये हम एन एफ ए से डीएफए में कन्वर्जन कैसे करेंगे सो so, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ टू टू देखिए बहुत सी बार क्या होता है आपका NFA से जनरली एन एफ ए से डीएफए डायरेक्ट कन्वर्जन तो नहीं पूछा जाता लेकिन मिनिमाइज डीएफए पूछा जाता तो मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे बट एन एफ ए से डीएफए अगर आपको बनाना है तो वॉट इज द प्रोसीजर फॉर दैट क्लियर है हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी डी एफ ए फ्रॉम दी एन एफ ए तो देखिए कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है लाइक like मैं डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ यहाँ पे Q0 जीरो इनिशियल स्टेट वन ठीक है Q1 वन जीरो दैट इज वन क्यू टू जीरो से फिर आ गए आप Q0 पर एंड दैट इज वन गो टू Q3 थ्री पे जीरो वन का इनपुट लगा दे। इट इज NFA एफ DFA? ये NFA या DFA? एफ एट DFA. डीएफएस इट इज अ DFA. ठीक है क्योंकि देखिए यहां पे जीरो वन का इनपुट है इसका रिस्पॉन्डिंग यहाँ पे जीरो है और वन का ट्रांजेक्शन है ये जीरो है और इस पे वन का ट्रांजेक्शन है एंड दैट जीरो वन क्लियर है सो दैट दी डीएफ एग्जैक्टली हर एक स्टेट पे आपका एग्जेक्टली exactly एक ट्रांजेक्शन बन रहा है दैट द डीएफए हर इनपुट के लिए एक ट्रांजेक्शन बन रहा है ठीक है नाउ लाइक इफ यू राइट दैट क्यू जीरो 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 क्यू वन ठीक है दैट जीरो वन क्यू टू ठीक है एंड क्यू टू पर जीरो पे यहां पे इट इज और सो डेफिनेटली इट इज बिकॉज इन दिस केस आपका स्टेट पर हर exactly एक स्टेट पे एग्जैक्टली एक इनपुट नहीं है क्यू जीरो पे जीरो के दो ट्रांजेक्शन है वन का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ठीक है क्यू वन पर आपका जीरो और वन का ट्रांजेक्शन है क्यू टू पर सिर्फ जीरो का ट्रांजेक्शन है ऑलराइट

ठीक है जितनी स्टेट आपको दिख रही है Q2 को आपको जस्ट क्या करना है डायग्राम में जितने ट्रांजेक्शन बने हुए हैं वो सारे टेबल में कन्वर्ट कर देना है सो क्यू जीरो पे जीरो इनपुट कहाँ पे जा रहे हैं आप क्यू जीरो पे भी जा रहे हो क्यू वन पे भी तो जिस जिस स्टेट पे जा रहे हैं उस स्टेट का नेम लिख दिया जीरो क्यू जीरो पे जीरो इनपुट पे क्यू जीरो पर भी आ रहा है और क्यू वन पे भी आ रहा है दो ट्रांजेक्शन है तो दोनों नेम लिख दिए वन पे कहीं नहीं जा रहा है तो जस्ट यानी कि रखना है आपको कुछ नहीं लिखना है क्यू वन पर जीरो का एक ट्रांजेक्शन है दैट इज ओनली ठीक है फिर क्यू वन पर वन इनपुट पे आप कहा जा रहे हैं दैट इज क्यू टू जीरो और वन के एग्जेक्टली exactly एक, -एक ट्रांजेक्शन है क्यू टू पर जीरो इनपुट पे कहा जा रहे हैं आप दैट इज क्यू वन पर और वन के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पे सो so, आपने जस्ट डेस्ट लिख दिया क्लियर है अब देखिये डीएफए टेबल, टेबल आप अगर एन एफ डिजाइन कर रहे हैं सो दैट इज नॉट एन इश्यू सो आपको जस्ट क्या करना है यहां पे जो लिखा हुआ है जस्ट आप जब भी DFA टेबल बनाएंगे सिर्फ इनिशियल स्टेट लिखना है आपको ठीक है एनएफए के केस में हमने क्या बोला सारी स्टेट लिख दी थी यहाँ पर 0, 1, 2, और जो जो दिख रहे हैं डायग्राम में वो कन्वर्ट कर दिए डीएफए में सिर्फ इनिशियल स्टेट लिखना है आपको और इसके थ्रू जो भी नई स्टेट इधर आती जाएगी आपकी वो इंक्लूड करते जाना है जैसे क्यू जीरो पे जीरो कहाँ जा रहा था जीरो वन पे जीरो वन लिख दिया क्यू जीरो पे वन पे कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे फाय ठीक है एनएफए की टेबल में आपको जस्ट डेस लिखना है बट यहाँ क्या लिखना है आपको फाइव फाइव दैट रिप्रेजेंट अ ट्रैप स्टेट ठीक है उसका मीनिंग क्या होता है हम देखेंगे तो जीरो पे जीरो इनपुट पे क्या आया अब एक नई स्टेट मिली आपको तो दैट इज जीरो और वन दोनों पे जीरो इनपुट तो देखिए जीरो और वन दोनों पे जीरो इनपुट पे कहा जा रहे हैं आप सो so, दोनों रो को जस्ट क्या कर दें मर्ज कर दें दैट इज जीरो वन वन यानी कि यहाँ पे वन कॉमन है तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका जीरो और वन आप डायरेक्ट डायग्राम से भी देख सकते हैं जीरो पे जीरो इनपुट पे जीरो पे कुछ नहीं है यहाँ क्यू है यानी सिर्फ क्या आएगा आपका क्यू आएगा जस्ट दोनों को मर्ज कर देना है अब नई स्टेट एक क्या मिल रही है आपको क्यू ठीक है जीरो वन ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं क्यू टू क्यू टू के लिए ट्रांजेक्शन देखा जीरो पर क्यू वन

लाइक like, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे सो दैट देखिए इनिशियल स्टेट क्या है आपकी दैट इज क्यू जीरो अब देखिए यस yes, क्या करना है वो फाइनल रहेगी तो एक ही प्लेस पे क्यू टू आ रहा है दैट इज दिस ओनली जो स्टेट्स लिखी है वहां पे सिर्फ यहाँ आ रहा है क्यू जीरो तो स्टेट है क्यू जीरो क्यू वन आप रीनेम कर सकते हैं इसको क्यू जीरो जीरो वन या कोई भी ए बी सी डी कोई भी नेम दे सकते हैं आप दैट इज द्यू टू फाइनल स्टेट एंड दैट इज स्टेट जीरो पे जीरो पे, पे गया इनपुट पर पे, पे जाएगा ठीक है जीरो वन पे जीरो इनपुट लूप वन इनपुट के लिए कहा जा रहा है दैट इज क्यू टू ठीक है क्यू टू पर जीरो इनपुट दैट इज क्यू वन तो देखिए Q2 पर जीरो इनपुट सॉरी दैट Q1 वन इज नॉट इंक्लूडर क्यू वन इंक्लूड नहीं किया Q1 इज ठीक है Q2 पर जीरो इनपुट पर सिर्फ Q1 पे जा रहे थे एक नई स्टेट Q1 मिल रही थी हमें Q1 वन पर इंक्लूड करना है आपको Q1 पर जीरो इनपुट दैट इज Q1 वन ओनली एंड वन इनपुट Q2 टू ओनली ठीक है ये आपको यहां पे लिखना पड़ेगा Q1 का ट्रांजेक्शन सो so, क्यू वन पर जीरो इनपुट Q1 वन ओनली एंड वन इनपुट पे Q2 टू ठीक है तो एक नई स्टेट आपकी Q1 भी आएगी अब यहां पे कोई नई नहीं, नहीं आ रही क्योंकि Q1 Q2 दोनों ऑलरेडी यूज हो गई तो लास्ट में फाइव लिखते हैं आप दैट इज दिस एक और स्टेट आपको यूज करनी है दैट इज Q1 ठीक है नाउ जीरो के दोनों ट्रांजेक्शन जीरो वन के लिख दिए Q2 पर जीरो इनपुट पे कहा जा रहे हैं हम क्यू पर सो so क्यू पर ट्रांसफर कर दिया वन इनपुट पर दैट क्यू पर वन ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाएगा ट्रैप स्टेट पे फाइव पे दैट इज दिस एंड क्यू वन पर जीरो इनपुट सो so, जीरो का लूप है ठीक है क्यू वन पे जा रहे हैं और वन इनपुट पे कहा जा रहा है ये क्यू टू परस दैट इज द डीएफए स्टेट ठीक है एन एफ ए में थ्री स्टेट थी आपकी डीएफए में फाइव स्टेट है सो so, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं किन्वर्ट फ्रॉम एन एफ ए टू डी एफ एन हाउ मेनी स्टेट सो दैट इज अंपल वे अब देखिये या तो आप एन एफ ए टेबल बनाए और फिर डीएफए पर जाए या फिर आप डायरेक्टली इससे डीएफए टेबल बना सकते हैं ठीक है यू कैन यूज द लॉजिक एंड यू कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट द डीएफए टेबल ठीक है सो एन एफ ए से डीएफए डायरेक्ट कन्वर्जन भी हम यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि देखिए इस केस में आप एक्चुअली एनएफए से डीएफए बनाने में आपको थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे सो so आप ऑटोमेटा को देख के बता सकते हैं कि कितनी स्टेट बनने वाली है वहां पर ठीक है कि कितनी मर्ज होगी कितनी बनने वाली है आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं हम कि इनिशियल स्टेट लिख दें ठीक है और उसके साथ जस्ट ट्रांजेक्शन बनाते जाएं क्योंकि लॉजिक वही है कहा जा रहा है so, क्यू जीरो तो तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं फिर जीरो वन तो देखना आपको सेम जो ओरिजिनल ऑटोमेटा है उसी से देखना है सो so, आप वहां से आप डायरेक्टली डीएफए में कन्वर्ट कर सकते विदाउट जनरेटिंग टेबल बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ठीक है विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते तो आप जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे सो आपको ईजिली कन्वर्जन हो जाएगा ना सर जो डी एफ ए कन्वर्ट किए हैं सर सेकेंड स्टेप में सर ये अलग क्या किए मतलब कि क्यू क्यू जीरो क्यू वन स्टेट पे जीरो पे वो कैसे और क्यू वन पे कैसे रहेगा क्यू जीरो क्यू वन पर जीरो का इनपुट दिया देखिए पहले ये टेबल क्लियर है आपको क्यू जीरो पे जीरो इनपुट क्या आया जीरो वन ये क्लियर है यस yes, सर ये क्लियर है फिर आपने ये स्टेट लिखी जीरो वन यहाँ पे ठीक है जीरो और वन दोनों पे जीरो इनपुट यानी कि ये दोनों रो देखनी है आपको जीरो वन दोनों पे जीरो इनपुट तो क्या आ रहा है जीरो वन वन जितने भी डिफरेंट नेम होंगे वो सारे लिख देंगे आप तो जीरो वन है तो जीरो वन पे जीरो इनपुट देने पे जीरो वन पे जा रहा है इसलिए लूप लगा दिया जीरो वन कंप्लीट एक सिंगल स्टेट है उसको आप रीनेम करके लिख सकते हैं। और जीरो और वन दोनों पे वन इनपुट पे तो देखिए जीरो और वन अब जीरो पे तो वन का कोई इनपुट नहीं है वन पे वन है पे का इनपुट क्यू टू आप यहाँ से भी देख सकते हैं जीरो और वन पे वन इनपुट पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है हमने क्यू टू यानी मर्ज करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ क्यू टू तो वन इनपुट पे क्यू टू पे गॉट इट यस क्लियर ठीक है सो दैट इज द वे इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए इसका हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर बताइए हाउ मेनी स्टेट इन द डीएफए कितनी स्टेट बनेगी आपकी डीएफए में दैट क्यू टू इज फाइनल यस yes, कुछ लोगों का आंसर आया है फोर ठीक है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसा आपने हम बोला ऑटोमेटा से डायरेक्ट ऑटोमेटा कन्वर्जन या फिर आप एन एफ ए की टेबल और डीएफए की टेबल के थ्रू या फिर डायरेक्ट डीएफए की टेबल बना के उसके थ्रू भी कर सकते हैं ठीक है देर आर वेरियस वे जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं उसको वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं जैसे देखिए डायरेक्ट पहले मैं इसका ऑटोमेटा डीएफए बना रहा हूं आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम ठीक है उसके बाद मिट टेबल से भी डिसाइड कर लेंगे हम सो so, जब डीएफए आप लिख रहे हैं तो जस्ट इनिशियल स्टेट लिखना है आपको ओनली इनिशियल स्टेट ठीक है तो क्यू जीरो लिखा आपने ना Q0 पर जीरो इनपुट तो देखिए Q0 पे पर जीरो का एक ही ट्रांजेक्शन है दैट गोज टू Q1 तो आपने जीरो इनपुट पे Q1 बना दिया दैट इज दिस ठीक है

वन इनपुट का कोई ट्रांजेक्शन है क्या नहीं है यानी कहा जाएगा ट्रैप पे, ट्रेप दैट इज डीएफ ये DFA बन गया आपका. क्लियर है? अभी ये डीएफए या नहीं सो इट इज नॉट डीएफए क्योंकि डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है कि हर स्टेट पे दो इनपुट होने चाहिए आपके फाइव पे आपने इनपुट नहीं बनाया है फाइव स्टेट पे ऑलवेज जीरो और वन का लूप लगाना है यानी जो भी इनपुट है उसका लूप लगेगा दैट इज द ट्रैप स्टेट ट्रैप स्टेट यानी वो स्टेट जिसपे एक बार आप गए तो रिटर्न नहीं आ सकते गॉड एट दैट इज अ फोर स्टेट अब डायरेक्ट डीएफए की टेबल कैसे बनाएंगे

सो so, ये DFA, इसको टेबल इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका गॉट इट सो तरीके से आप सिंपल एन एफ ए से DFA कन्वर्जन हमने देखा चलिए अब अगर मान लीजिए आपको यहां पर क्वेश्चन दिया है दैट क्वेश्चन इज दैट design design the finite automata design the finite automata that accept design the finite automata that accept all a string over the input

that contain even number of zeros स्टेट टू देखिए आपको जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन क्वेश्चन आता है तो हमें यहां पर क्या बोला है कि इवन नंबर ऑफ़ दो इनपुट है जीरो और वन लेकिन कंडीशन किसके ऊपर है सिर्फ जीरो के ऊपर है ठीक है इवन नंबर ऑफ जीरो जीरो के ऊपर है यानी वन कितने भी आ सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वन इवन ऑड कुछ भी हो सकता है ठीक है तो तो जब भी आप even का लिखेंगे, ठीक है? तो आपने ऑटोमेटा डिजाइन किया अब सबसे पहले आप ये ये करें कि यानी जो आपको स्टेटमेंट लिखा है जो क्वेश्चन लिखा है इससे मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी तो हमें बोला है इवन नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए तो अगर मैंने बोला एक स्ट्रिंग नल नल कंटेन हाउ मेनी दैट यानी कि स्ट्रिंग आपने नल लिखी तो नल में एक भी जीरो नहीं है यानी कि तो दैट इज ऑलवेज इवन ठीक है उसको इवन में कंसिडर करना है यानी कि अगर एक भी जीरो नहीं है स्ट्रिंग में तो वो स्ट्रिंग क्या होगी आपकी एक्सेप्ट होगी ठीक है यानी नल एक्सेप्ट होना चाहिए सो दैट इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट ठीक है नल शुड बी एक्सेप्टेड नाउ उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं अगर सिंगल जीरो आता है तो क्या एक्सेप्ट होगा सो इट इज नॉट एक्सेप्ट तो सिंगल जीरो पे आपने क्या कर दिया इसको रिजेक्ट कर दिया और डबल जीरो जैसे ही आएगा आपका देखिए जीरो आप या तो पैटर्न क्या बना रहे हैं पे नल थीके? डबल जीरो फोर जीरो सिक्स जीरो इस टाइप की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होगी आपकी नल डबल जीरो फोर जीरो सिक्स जीरो तो हम क्या बोल रहे हैं नल एक्सेप्ट हो गया टू जीरो के लिए आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे टू जीरो दो स्टेट के बाद एक्सेप्ट कर दिया फिर फोर जीरो के लिए आप इस लेंथ को आगे बढ़ाया और फिर कर दिया। so set, ये आपका कहीं ना कहीं आपको पैटर्न को समझना है तो हम क्या बोल रहे ईवन जीरो फर्स्ट के बाद सेकेंड जीरो आया एक्सेप्ट जैसे ही थर्ड जीरो आएगा रिजेक्ट फोर्थ यानी आप यहाँ पे इस कंडीशन का लूप बना दिया दैट टाइप ऑफ लूप सो वन जीरो रिजेक्ट सेकंड जीरो एक्सेप्ट फिर थर्ड रिजेक्ट फिर फोर्थ एक्सेप्ट फिर फिफ्थ रिजेक्ट फिर सिक्स एक्सेप्ट तो सारे इवन जीरो एक्सेप्ट होंगे अब वन भी इनपुट में आपका लेकिन वन के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो आपने क्या बोला दोनों स्टेट पे वन का लूप लगा दे जस्ट जस्ट अप्लाई द लूप ऑफ वन इन बोथ स्टेट ठीक है सो उस केस में क्या होगा आपका कि आपने नंबर ऑफ वन्स किसी भी प्लेस पे कितने भी आ सकते हैं मान लीजिए आपने करना है, दो है, होनी चाहिए सो so वन जिस भी स्टेट पे आएगा चेंज कर, कर देगा ठीक है तो इवन जीरो वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी ठीक है सो टू स्टेट सो इट इज एन और एफ ए तो डेफिनेटली ये क्या है आपका डीएफए क्योंकि दोनों स्टेट पे आपने दोनों इनपुट के एक्जेक्टली ट्रांजेक्शन वन वन डिजाइन किए हैं, सो इट इज अ डी एफ ए ना अगर आपको ऑट नंबर ऑफ वंस बोला है नंबर नंबर ऑफ ऑफ या so क्या चेंज करेंगे हम इस ऑटोमेटा में इवन की जगह ऑट बोल दिया आपको इवन रिजेक्ट करना है ऑर्ड को एक्सेप्ट करना है ठीक है तो पहले हम इवन को एक्सेप्ट कर रहे थे ऑड को रिजेक्ट कर रहे थे तो ऑड में आपकी लेंथ क्या होगी सिंगल जीरो ट्रिपल जीरो फाइव जीरो ऑटोमेटा है इसकी फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया ठीक है दैट इज फाइनल तो देखिए सिंगल एक्सेप्ट डबल रिजेक्ट फिर थर्ड एक्सेप्ट फोर्थ रिजेक्ट एंड सो ऑन और यहाँ पे वन का लूप लगा दिया क्लियर है सो इन दिस केस आपके सारे ऑड नंबर ऑफ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी दैट इज ऑल्सो डी एफ ए ठीक है विद टू स्टेट तो देखिए हमें सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा पूछा था तो आप एनएफए डीएफए कुछ भी बना सकते जिसमें कम स्टेट लग रही क्लियर है दैट इज अ डीएफए नाउ अगेन फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है हमें design finite automata that accept all string over 01 except okay. accept all string over 01 that contain that contain at least two zeros

तो देखिए ऑलवेज मिनिमम लॉजिक से आपको चलना है एटलीस्ट टू जीरो यानी कि आपकी इनिशियल स्टेट पे अगर मिनिमम टू जीरो आएंगे तभी आप कहाँ पे जाएंगे फाइनल स्टेट पे जाएंगे यानी तीन स्टेट तो ही है आपको ठीक है दैट इज द थ्री स्टेट एटलीस्ट टू जीरो इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं कितने भी जीरो और कितने भी वन हो दैट ऑल आर एक्सेप्टेड यानी कि अगर हमने बोला दैट इज जीरो जीरो जैसे ही जीरो और जीरो आया आप फाइनल पे पहुंच गए टू जीरो इसके पहले जितने भी वन आएंगे एक्सेप्ट दो जीरो के बीच में कितने भी वन आए एक्सेप्ट और इसके बाद कितने भी जीरो वन आए सारे एक्सेप्ट क्लियर है क्योंकि अब आप, आपकी जो भी स्ट्रिंग यहां से जनरेट होगी उसमें मिनिमम टू जीरो होंगे तो दैट इज फॉर एटलीस्ट टू जीरो नाउ अगर आपको बोला एटमोस्ट टू जीरो टू जीरो टू जीरो ज्यादा से ज्यादा दो जीरो हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे केवल वन का लूप लगाएंगे। थर्ड पे केवल वन का लूप लगेगा ठीक है सो एटमोस्ट टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक भी जीरो नहीं होंगे तो भी एक्सेप्ट यानी नल भी एक्सेप्ट सिंगल जीरो होगा तो भी एक्सेप्ट और दो जीरो होंगे तो भी एक्सेप्ट एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा टू टू से कम होगा तो भी चलेगा तो देखिए नल आया तो भी एक्सेप्ट सिंगल जीरो आएगा तो भी एक्सेप्ट और डबल जीरो आया तो भी एक्सेप्ट गॉट इट क्योंकि एटमोस टू जीरो बोला है तो ये आपका लेकिन टू के बाद अगर जीरो आता है तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए गॉट इट सो अगेन वन पे कोई कंडीशन नहीं है तो वन के लूप तो तीनों स्टेट पे लगा दिया आपने अब एटमोस टू जीरो में आपका नल भी एक्सेप्ट हो रहा है सिंगल जीरो भी और डबल जीरो वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है लेकिन इसके बाद अगर जीरो आता है आपका तो वो आपका क्या होना चाहिए रिजेक्ट होना चाहिए यानी कहा जाएगा ट्रैप स्टेट पे जाएगा तो अगर आप डीएफए चाहते हैं यानी कि इतना बन चुका था आपका दैट इज एन अगर आप चाहते हैं डीएफए में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे जीरो का इनपुट ट्रैप पे गए और ट्रैप पे जीरो वन का लूप लगा दिया नाउ इट इज अ डीएफए ठीक है ये डीएफए बन गया अगर आपसे बोला है डीएफए डिजाइन करें सो दैट इज द डीएफए अदरवाइज़ आप ट्रेप स्टेट इंक्लूड नहीं करेंगे तो दैट ऑटोमेटा इज ऑल्सो करेक्ट बट वो क्या रहेगा आपका एन एफ ए रहेगा गॉट एट तो एटमोस टू जीरो के लिए होगा नाउ मान लीजिए आपको बोला एग्जैक्टली टू जीरो टू जीरो क्या होगा एग्जैक्टली टू जीरो के लिए क्या चेंज आएगा ऊपर वाले में देखिए ये ऑटोमेटा में एटमोस्ट टू जीरो बोला था और यहां एग्जेक्टली टू जीरो यानी कि ये नल और जीरो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए बाकी सब कुछ करेक्ट है गॉट इट यानी इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं होगी आपकी एग्जैक्टली टू जीरो यानी कि जैसे ही आपको दो जीरो मिलते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे बीच में वन आता है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन दो से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए दो से ज्यादा जैसे ही जीरो हुआ आपका ट्रैप पर चला जाएगा एंड दैट इज द लूप सो ये एक्जैक्टली टू जीरो बिटवीन एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो डायरेक्ट उसी काउंट पे जाके फाइनल बनाना है एटमोस्ट में जितनी भी पाथ में स्टेट आ रही है सारी फाइनल हो जाएगी उस बात में जितनी भी स्टेट आ रही है ऑल आर फाइनल इन केस ऑफ एटमोस्ट गॉट इट। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल ऑटोमेटास हमने यहां पर देखे कि किस तरीके से डिजाइन होंगे ना दैट इज अ वन क्वेश्चन डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा ठीक है डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा या अगर आप लिखे डिजाइन डी एफ ए दैट एक्सेप्ट डिजाइन डी एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑल द स्ट्रिंग डिजाइन डी एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर इनपुट ए बी ए कॉमा बी Okay. design DFA that accept all the string over input ab in which in which number of a and number of b, number of a and b are divisible by two. Okay, are divisible by. आप भी एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसमें आप काउंट करते हैं तो ए काउंट और बी काउंट दोनों टू का डिजिबल होना चाहिए ए और बी दोनों क्या होने चाहिए इवन नंबर में होने चाहिए नंबर ऑफ ए एंड बी बोथ आर ईवन गोड तो अगर दोनों ईवन होंगे तो एक्सेप्ट होगा अदरवाइज रिजेक्ट होगा यानी कि लाइक कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्या लिख सकते हैं ए ए बी बी इस टाइप से या आपकी स्ट्रिंग है ए बी ए बी इस टाइप की स्ट्रिंग है सो दर एक्सेप्टेड टाइप ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेड देखिये यहां पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसपे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए किस लॉजिक से आप इसको डिजाइन करते हैं दैट इज द इंपॉर्टेंट ठीक है किस लॉजिक से आप डिजाइन करेंगे सो फोर स्टेट ओके एक आंसर आ रहा है दैट इज अ फोर स्टेट यस ठीक है आपको ऑलरेडी अगर मान लीजिए पता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है बट हाउ व्हाट इज द लॉजिक क्या लॉजिक यूज किया आपने इस क्वेश्चन को डिजाइन करने में नंबर ऑफ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय टू बताइए रत्नेश व्हाट इज द लॉजिक टू कंस्ट्रक्ट दिस डीएफ

टोटल अगर आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि वॉट इज द स्टेट तो देखिए आपसे बोला है कि ए एंड बी इज डिविजिबल बाई टू तो किसी भी नंबर को अगर आप टू से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय टू द रिमाइंडर जीरो एन वन एक्टली exactly. देखिए समझ लीजिए किस टाइप से जनरेट करेंगे तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजिली आइडेंटिफाई सो हमें बोला है कि अगर डिविजिबल बाय टू है तो आप टू से डिवाइड करते हैं तो नंबर का रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या वन आएगा यानी आप स्ट्रिंग में ए को काउंट करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो या तो वो टू का डिविजिबल होगा या नहीं होगा यानी डिविजिबल हुआ तो जीरो रिमाइंडर नहीं हुआ तो वन रिमाइंडर यानी कि ए के लिए दो रिमाइंडर जनरेट होंगे आपके नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे जब तो या तो जीरो आएगा या वन रिमाइंडर आएगा और जब बी को काउंट करेंगे तो भी या तो जीरो रिमाइंडर आएगा या फिर रिमाइंडर आएगा क्लियर है so, सो अब टोटल पॉसिबल कितने बन गए यानी ए और बी दोनों को काउंट किया तो देखिए मैंने ए को काउंट किया मान लीजिए का काउंट क्या है आपका इवन है तो डिविजिबल बाय टू हो गया रिमाइंडर जीरो जनरेट करेगा और बी का काउंट भी मान लीजिए जीरो, तो जीरो जीरो केस बना ए काउंट इज डिविजिबल बाई टू यानी ए रिमाइंडर जीरो जनरेट कर रहा है और बी वन जनरेट कर रहा है या फिर ए वन जनरेट कर रहा है और बी जीरो जनरेट कर रहा है इसके अलावा नॉट पॉसिबल क्लियर है क्योंकि आप देखिए यहां पर जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन का मतलब ये है आपका कि आपने जो भी इनपुट काउंट किया है ठीक है वो जब आप टू से डिवाइड करेंगे यानी हमने यहां पे बोला नंबर ऑफ ए को काउंट करके उसको टू से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर या तो जीरो बी को काउंट करके टू से डिवाइड किया तो जीरो या वन आएगा तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे सो आर कॉम्बिनेशन सो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उतनी स्टेट आपकी यहां पर डिजाइन होगी गॉट इट सो हाउ मेनी स्टेट्स फोर स्टेट तो अब देखिए स्टेट का नेम भी यही दे, दे देंगे हम जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन ये चार स्टेट का नियम देती है क्लियर अब फाइनल स्टेट कौन सी दिख रही है इसमें से केस केस आपका एक्सेप्टिंग होगा? डेफिनेटली जब ए और बी कि कि भी कितने है, है. ये स्ट्रिंग होनी चाहिए. तो ए को टू से डिवाइड करेंगे बी को टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो जीरो रिमाइंडर आएगा कि जीरो जीरो वाली स्टेट आपकी क्या होगी एक्सेप्टिंग स्टेट होगी और अगेन दैट इज ऑल्सो इनिशियल स्टेट बिकॉज आपका नल भी एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपके नल में ना तो नंबर ऑफ जीरो है है और न है. तो of, sorry, और ना ही ही नंबर 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 ऑफ 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 वन तो सॉरी ए बी दोनों क्या है एक्सस्ट नहीं कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ ए इज जीरो एंड नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो जीरो जब जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा आपका यानी कि नल इज एक्सेप्ट सो इनिशियल स्टेट इज दिस अब देखिए अब जस्ट आपको कुछ नहीं करना है आपको स्टेट क्लियर हो चुकी है इनिशियल क्लियर हो गई है फाइनल क्लियर हो गई है आपको जस्ट अब क्या करना है हर स्टेट पे दो ट्रांजेक्शन एक ए और बी के तरफ क्योंकि हम डीएफ बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या करें ए और बी का इनपुट एडजस्ट करें ऑटोमेटिक आपका ऑटोमेटा क्रिएट हो जाएगा यानी इस स्टेट पे अगर मेरा इनपुट ए आता है तो देखिए अगर आपकी स्ट्रिंग एग्जैक्टली सिंगल ए है इफ यूर एग्जैक्टली सिंगल ए सो उस केस में आपका कौन से स्टेट का ट्रांजेक्शन बनेगा ठीक है, exactly है आपका है है है, वो क्या सिंगल 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 ए ए ए, स्टेट पे आप exactly अप्लाई कर रहे हैं, सो स्ट्रिंग जीरो बाई टू रिमाइंडर इज जीरो का रिमाइंडर वन बी का रिमाइंडर जीरो तो आने पे कहा जाना है आपको one,

यानी कि यहाँ पे इनिशियल पे ए इनपुट पे आप कहाँ गए वन जीरो पे और इस पे ए इनपुट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं गॉट इट तो कंप्लीट स्ट्रिंग क्या बनेगी डबल ए और डबल ए में नंबर ऑफ ए कितने टू ए तो रिमाइंडर कितना होगा जीरो और नंबर ऑफ बी कितने दैट इज ऑल्सो जीरो तो उसका रिमाइंडर भी कितना होगा जीरो जीरो यानी इस पे ए इनपुट आने पे कहा जाना है आपको जीरो जीरो पे जाना है तो जीरो जीरो पे ट्रांसफर कर दिया हमने ठीक है कंप्लीट स्ट्रिंग इनिशियल से काउंट करनी है आपको अगर इस पे बी आता है सो कंप्लीट स्ट्रिंग क्या बनेगी इनिशियल से ए एंड बी स्ट्रिंग इज ए बी तो देखिए नंबर ऑफ ए कितने वन तो वन बाई टू रिमाइंडर इज वन यानी वन वन रिमाइंडर आएगा सो so, किस स्टेट पे जाना है जहां पे आपने वन वन रिमाइंडर सेट कर रखा है सो दैट गोज टू हियर गॉट इट नाउ So, ये A हो गया ये बी हो गया यहां पे भी अब इसके A और भी दोनों एडजस्ट कर दिया आपने नाउ इस स्टेट पे आ जाते हैं तो इनपुट आता है तो स्ट्रिंग क्या बनेगी बी बी के बाद इज बी ए नंबर ऑफ ए वन है इसमें भी नंबर ऑफ बी कितने वन है सो रिमाइंडर इज वन यानी वन वन पे ही जाना है आपको बी के बाद अगर बी आ जाता है इफ जनरेट होता है तो रिमाइंडर है? है, तो क्या है जीरो चीजें ईवन है तो जीरो जीरो पे चला जाएगा दस ठीक है एग्जैक्टली आपका ये ए और बी दोनों इनपुट हो गए इसके लिए बचा तो इस स्टेट पर आने पे स्ट्रिंग क्या बन रही है आपकी इनिशियल से तो देखिए बी और ए इनिशियल से स्टेट क्या बन रही है आपकी बी ए गॉट इट सो बी ए इज द स्ट्रिंग या तो इधर से आ सकते हैं किसी भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं बी ए इसके बाद अगर आप ए अप्लाई करते इफ यू अप्लाई ए तो स्ट्रिंग क्या बनेगी बी ए ए सो बी ए ए स्ट्रिंग ए का रिमाइंडर नंबर ऑफ ए इज 2 रिमाइंडर इज 0 ठीक है नंबर ऑफ बी इज 1 रिमाइंडर इज 1

गेट में जो क्वेश्चन आता है इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं अलग अलग तरीके से ठीक है बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि यस डिविजिबल बाय अगर आपको बोला है तो आप पहले फाइंड करें कि क्या क्या रिमाइंडर वो जनरेट कर रहा है और उस रिमाइंडर के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ स्टेट्स आप बना सकते हैं ठीक है चलिए अगर आपको बोला है कि नंबर ऑफ ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय थ्री सो कितनी स्टेट बनेगी नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी बोथ डिविजिबल बाय थ्री हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर टोटल स्टेट्स कितनी बनेगी देखिए अगेन लॉजिक वही है आपका ए को भी थ्री से डिवाइड करना है और बी को भी थ्री से डिवाइड करना है तो थ्री से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा आपका ठीक है उनके रिमाइंडर के कॉम्बिनेशन देखिए ए को डिवाइड करेंगे थ्री से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका जीरो वन टू ठीक है विनो दैट किसी भी नंबर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो वन टू आ सकते हैं बी को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा आपका जीरो वन टू सो थ्री एंड थ्री सो इसकी एक जीरो के साथ इनके तीन कॉम्बिनेशन वन के साथ तीन कॉम्बिनेशन टू के साथ थ्री यानी थ्री क्रॉस थ्री कितना हो गया दैट इज नाइन सो नाइन स्टेट ठीक है कौन कौन सी बनेगी देखिए जीरो 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 वन जीरो टू वन जीरो वन 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 टू टू जीरो टू वन टू टू फाइनल स्टेट इज दिसाइनल ठीक है एंड इट इज ऑल्सो इनिशियल एक्जैक्टली नाइन स्टेट बनेगी सेम लॉजिक से ड्रॉ करना है आपको पैटर्न यू कैन इजिली डिजाइन दैट ऑटोमेटा ठीक है सो द नाइन स्टेट आर देयर ठीक है आप इजिली इसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जस्ट आप पैटर्न ऐसे फॉलो करें जीरो जीरो फिर आप जीरो वन लिखें एंड जीरो टू लिख दें ठीक है ताकि क्रॉसिंग कम होगी फिर यहाँ पर आप लिख दें दट इज वन जीरो एंड टू जीरो ठीक है दैट इज वन जीरो टू जीरो दैट इज टू वन टू टू ठीक है वे इस तरीके से आप बस जीरो वन का इनपुट आपको परफॉर्म करना है यानी ए और बी का इनपुट अप्लाई करेंगे आप जैसे ही उसका काउंट थ्री के मल्टीपल में होगा आप इनिशियल में पहुंच जाएंगे दोनों का काउंट जब थ्री के मल्टीपल में होगा और अगर वो थ्री के मल्टीपल में नहीं होगा तो इनमें से कोई एक केस बनेगा आपका सो so, जिस पे भी वो जा रहा है उस पर ट्रांसफर कर देंगे आप टोटल नाइन देयर ठीक है तो देखिए यहां पे आपको दैट नंबर ऑफ स्टेट आपने ए और बी इज डिविजिबल बाय थ्री तो ये स्ट्रक्चर बनाया ठीक है आप जस्ट इस पे इनपुट अप्लाई करके पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं लाइक like, मैं फास्ट लिस्ट को डिजाइन कर देता हूं दैट फर्स्ट इनपुट जो आपका आएगा दैट इज सिंगल ए डबल ए एंड ट्रिपल ए जैसे ही ट्रिपल ए आएगा आपका जहां से देखिए हर एक इनपुट को जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका जैसे ही थर्ड काउंट आएगा वो इसी स्टेट पे चल जाएगा यानी कि इसके बाद भी आप एक डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं ए ए ए जैसे ही थर्ड ए आया जिस स्टेट से आपने पहला ए काउंट किया था उसी स्टेट पे ट्रांसफर कर देने का ठीक है मान लीजिए इस पे बी इनपुट तो बी इधर जाएगा आपका क्योंकि रिमाइंडर वन जनरेट होगा बी का ए का जीरो रहेगा जैसे ही डबल बी आया तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टू जनरेट हो जाएगा और जैसे थर्ड भी आएगा दैट विल बी एक्सेप्ट दैट इज दिस ए और बी हो गया नाउ इस स्टेट पे आपको ए आ रहा है ठीक है सो मान लीजिए फर्स्ट ए सेकेंड ए यानी कि टू ए ए तो ऑलरेडी बना दिया हमने बी आ रहा आ रहा है सो so, आपका क्या आएगा ए बी यानी दोनों वन वन है सो so, थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन वन आएगा ठीक है फिर तो उसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंड बी यहां पर जाएगा दो बी हुए और थर्ड बी पे वापस रिटर्न आ जाएगा तो जहां से आपने स्टार्ट किया थर्ड बी का काउंट वहां से ही आएगा ठीक है फिर सेम इस स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे दैट इनपुट ए एंड थर्ड ए पे रिटर्न टू दैट ऑटोमेटा दैट इज दिस ठीक है फिर यहाँ पर अगर बी आता है तो डबल ए बी यानी टू ए और सिंगल बी यानी टू वन टू ए और टू बी देखिए ए ए बी बी टू ए टू बी थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू टू रिमाइंडर जैसे ही थर्ड बी आया गो टू दिस ठीक है नाउ यहां पर ए का इनपुट तो डबल बी एनि वन ए टू बी डबल बी डबल सो आई थिंक इट इज that सो so, so, divisible बाय थ्री क्रॉस थ्री ठीक है ए so से डिविजिबल बी से डिविजिबल तो आपकी स्टेट टोटल कितनी बन गई नाइन तो आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहां पर ठीक है वॉट इज जनरलाइज स्टेटमेंट कि एफ एफ नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय एम एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय एन दो अलग अलग ले लिया अभी तक हमने दोनों सेम लिया थी ए और बी बो था डिविजिबल बाय टू ए और बी बो था डिविजबल बाय थ्री तो एक्जेक्टली exactly मल्टीप्लाई हो रहा था टू क्रॉस टू फोर थ्री क्रॉस थ्री नाइन तो यहां पर अगर ए एम से डिविजिबल है और बी एन से डिविजिबल है देन टोटल स्टेट टोटल स्टेट कितनी बनेगी आपकी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन एंड टोटल स्टेट इज एम क्रॉस एन ठीक है एंड नंबर ऑफ फाइनल स्टेट नंबर ऑफ फाइनल स्टेट कितनी होगी हाउ मेनी स्टेट आर फाइनल सो एग्जैक्टली वन फाइनल होगी क्योंकि एंड ऑपरेशन है आपका तो दोनों का रिमाइंडर जब उससे डिविजिबल होगा तो वो फाइनल बनाएंगे तो दोनों केस में हमने एक ही फाइनल बनाई थी दैट इज दिस ठीक है सो टोटल स्टेट एन क्रॉस एम नंबर ऑफ फाइनल इज एक्टली वन देखिए अगर आपको मान लीजिए बोला है कि नंबर ऑफ ए ठीक है हैश का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय टू ठीक है नंबर ऑफ ए के लिए आपको क्या बोला है डिविजिबल बाय टू एंड नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाय थ्री सो टोटल स्टेट कितनी बनेगी ए इज डिविजिबल बाय टू एंड बी इज डिविजिबल बाय थ्री एंड टोटल स्टेट जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको एम की वैल्यू टू एन की वैल्यू थ्री एम क्रॉस एन टू क्रॉस थ्री कितनी हो गई सिक्स अब देखिए एग्जैक्ट रिमाइंडर वाला अगर लॉजिक आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डिविजिबल बाय टू यानी ए का रिमाइंडर क्या होगा आपका दैट इज जीरो वन ए का रिमाइंडर क्या आएगा जीरो वन बी का रिमाइंडर क्या आ सकता है जीरो वन एंड टू क्योंकि थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जीरो का कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ और ये वन का कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ यानी कि स्टेट्स जो बन रही है आपकी दैट इज जीरो 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 टू वन जीरो वन वन एंड वन टू जो पहली डिजिट है वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है दूसरी डिजिट बी के रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रही है सो दैट इज द टोटल सिक्स स्टेट और अगेन फाइनल स्टेट इज दिस ठीक है दैट इज द फाइनल सो so, इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं गॉट इट ठीक है अब हम इस पे किस टाइप से गेट में क्वेश्चन आए हुआ है वो डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में ठीक है और बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए कैसे डिजाइन करते हैं हम वो देखेंगे एंड उसके बाद मिनिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे सो तो गेट के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी हो कल डिस्कस करेंगे गॉट एट एनी डाउट यू कैन आस्क Thank ठीक है चलिए सो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाय गुड नाइट